अंदर से बाहर और बाहर से अंदर उसको प्रिवेंट करना। जीएचएमसी के तरफ से इसेंशियल आइटम्स के सप्लाई के लिए इसमें अरेंजमेंट किया गया है और हर जोन के अंदर ऑलरेडी ग्रोसरी आइटम, इसेंशियल आइटम्स, मेडिसिन आइटम्स, इसका इंतजाम ऑलरेडी है। खुशामदीद नाजरीन, मैं सैयद गौस मुहीउद्दीन आपका आईएनई टुडे पर खैर मकदम करता हूं। यूं तो होती है हर न्यूज पर आपकी नजर, हम देते हैं रोजाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खास खबर। सिटी पुलिस और जीएचएमसी ने आज कोरोना वायरस से शदीद तौर पर मुतासरा शहर के 12 इलाकों की हिसारबंदी कर दी है। इसके तहत इस इलाके में रहने वालों को ना तो इसके बाहर जाने की इजाजत होगी और ना ही किसी को इस इलाके में दाखिले की इजाजत दी जाएगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एकदम इंतहा जरूरी हो गया था। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि मजलिस बल्दिया हैदराबाद और रोड एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के तावुन से इन इलाके जात को आहानी दीवार से महसूर कर लिया गया है। मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के पास मीडिया से बातचीत करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि महसूस शुदा इलाकों में कम से कम 8-12 हज़ार अफराद के मकानात हैं। उन्हें मोबाइल फैन के जरिए जरूरी अशिया और तरकारी और दवाएं वगैरह सरबराह की जाएंगी और सिर्फ इमरजेंसी की हालत में किसी को बाहर जाने दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में कमिश्नर पुलिस ने बताया कि महासिरा आइंदा 12-15 दिन तक रहेगा और वक्तन फवक्तन सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही इसको बर्खास्त करने के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। जीएचएमसी के सभी सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स, हैदराबाद सिटी में ये कंटेनमेंट जोन का प्लानिंग करने के बाद आज सुबह से हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जीएचएमसी कमिश्नर साहब और आरएनबी सेक्रेटरी साहब लोग बैरिकेडिंग के बारे में, आप लोग जैसा देख रहे हैं रफली एट फीट का बैरिकेडिंग है। ये कंटेनमेंट जोन का मतलब है कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को कैसे कंटेन किया जाए, कैसे रोका जाए, और इसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट एरिया जो 12 से 15 एरिया अभी तक सिटी में आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें कि हर एरिया में लगभग 4000 से लेके 7000 हाउस होल्ड फैमिलीज़ हैं और उनको उनका मूवमेंट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर उसको प्रिवेंट करना। जीएचएमसी के तरफ से इसेंशियल आइटम्स के सप्लाई के लिए इसमें अरेंजमेंट किया गया है और हर जोन के अंदर ऑलरेडी ग्रोसरी आइटम, इसेंशियल आइटम्स, मेडिसिन आइटम्स, इसका इंतज़ाम ऑलरेडी है। हम लोग के तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से यही कोशिश रहेगा कि उसको रेगुलरली हम लोग रिफिल करते रहें। इसमें पब्लिक से हमारा अनुरोध है, हमारा रिक्वेस्ट है कि ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कॉलोनी, पूरे शहर के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, तो आप काइंडली कोऑपरेट करिए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमारी टीम, जीएचएमसी की टीम, हम लोग मिलकर आपको अवेलेबल करेंगे। ये थैंक यू। कब तक करेंगे बैरिकेड सर? ये अभी तो शुरुआत है, कभी 12 दिन 15 दिन के बाद हम लोग इवेल्युएट करेंगे कैसा सिचुएशन। थैंक यू। कौन से थैंक यू, सब बता रहे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायणगुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।